हेलो ब्रो बंधु, देखिए मार्केट ओपन हो चुका है और देखिए हमें दोनों इंडेक्स में छोटा मोटा गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 40 पॉइंट के आसपास गैप डाउन है और निफ्टी में 32 पॉइंट के आसपास गैप अप है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा गैप अप है, गैप डाउन नहीं है, फ्लैट ओपनिंग ऐसे हम कह सकते हैं। तो अभी देखिए हमारा प्लान कैसे रहने वाला है। प्लान तो हमारा इन बायर्स को टारगेट करने का है। यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं इनको हम टारगेट करेंगे, बट अब वो हमारी एंट्री डिपेंड करेगी प्रोजेक्शन के ऊपर, मार्केट प्रोजेक्शन कैसा बनाता है। उसके बाद हम पुट साइड में कहीं एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी मार्केट ओपन होने देने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर जहां हम एंट्री बनाते हैं उसके बाद में ट्रेड लेने का रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए प्लान कुछ पहले होता है, प्री डिसाइडेड मार्केट ओपन होने से पहले, और प्रोजेक्शन बनने के बाद हो सकता है मैं दूसरा ट्रेड में भी एंट्री कर लूँ, हो सकता है कॉल साइड चला जाऊँ, तो वो सब प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है। तो पहले मार्केट ओपन होने देने का वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट प्रोजेक्शन कैसा बनाता है, फिर हम कोई एंट्री बनाएंगे। तो वेट करते हैं और बताता हूँ मैं आपको। हेलो एवरीवन, देखिए मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट ओपन होते ही हमें यहाँ पर एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दोनों इंडेक्स में बाइंग साइड का मोमेंटम आया हुआ है। देखते हैं, प्रोजेक्शन बनने का वेट करते हैं और उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाएंगे। व्यू तो मेरा अभी भी सेलिंग साइड का है। तो वेट करते हैं अभी तो। ठीक है, हाँ, दो लूप में आज काम करेंगे आज। ये एक ही लोटर नहीं देते हैं। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। चलिए, तो हम एंट्री बनाने वाले हैं। चलिए, एंट्री हमने बना ली है, एक बार हम ऑर्डर में जाके देख लेते हैं। 360 में हमने बाय किया है, देखते हैं, मार्क कर लेते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें, पता नहीं क्यों। देखिए प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर भाग चुका है, 360 में हमने बाय किया था। ठीक है, तो एक बार इसको मार्क हम कर देते हैं। यहाँ कहीं हमने बाय किया है। ठीक, देखिए प्रॉफिट अच्छा खासा हमारा चल रहा है। बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा पोजीशन को मैनेज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। हेलो एवरीवन, तो देखिए हमने यहाँ कहीं 9:19 की कैंडल पर हमने पुट साइड में एंट्री बनाई हुई थी, और अभी पोजीशन की बात करें तो अभी हमारी पोजीशन में 300 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं। 360 रुपीज़ में हमने इसको बाय किया था। स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारा 35-40 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रहने वाला है। देखिए आइडियल स्टॉप लॉस तो मेरा इस लो की कैंडल के, ये वाला जो कैंडल है इसके लो के नीचे बन रहा है। ठीक है, 30 पॉइंट के आसपास, बट देख लेते हैं कैसा क्या रहने वाला है। उसके हिसाब से हम 700-750 के आसपास लोस को देख लेंगे। ठीक है, टारगेट उतना ही, 850-900 के आसपास टारगेट हमारा रहने वाला है। तो अभी वेट करते हैं और मैं ट्रेड लेने का रीज़न आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए निफ्टी परेशान ना कर दे,
निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया हुआ है अपर साइड का। इंडेक्स में हमारे 110 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो जब ये वाले लोग क्लियर होंगे तो अच्छा खासा हमें स्पाइक देखने को मिलता है मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो पोजीशन में हमारी कोस्ट टू कोस्ट आ गए होंगे हम, तो अभी कोस्ट टू कोस्ट हम चल रहे हैं, ठीक है। वेट करते हैं। देखिए मार्केट थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ चुका है, हो सकता है 47,000 का भी मार्केट ऊपर थोड़ा ब्रेकआउट कर दे, बट पता नहीं मार्केट ब्रेकआउट शायद नहीं करेगा, बिकॉज़ ऊपर निफ्टी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो चुकी है हमारी पोजीशन में। निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के नीचे भी बहुत ज़्यादा होल्ड किया है, तो हो सकता है मार्केट इन सेलर्स को टारगेट। देखिए जहाँ तक तो मुझे लगता है मार्केट में इन सेलर्स यहाँ से एग्जिट हो गए होंगे इस मोमेंटम के बाद, ठीक है। ये जो मार्केट ने ये मोमेंटम किया उसके बाद यहाँ पर जिसने यहाँ अपर लेवल पे यहाँ पर सेलिंग की होगी उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ठीक है। अब वो बैठा नहीं होगा तो मार्केट पूरा तो उनको टारगेट नहीं करेगा। अब देखिए कर भी सकता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट अब जो भी है ठीक है, तो अब तो हम वेट ही करेंगे, वेट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो देखिए अभी हम दोबारा कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं और सेलिंग अच्छी खासी आई हुई है, ठीक है। अब मार्केट की कंटिन्यू करेगा, धीरे धीरे स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है। तो अभी तो हमारी पोजीशन में 100 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, मैक्सिमम 300 के आसपास हमने लॉस देखा है, ठीक है। तो वेट करते हैं प्रॉपर टारगेट है स्टॉप लॉस के लिए। ट्रेड लेने का रीज़न तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, इन बायर्स को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई है, ठीक है। मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिया, उसके बाद अपर साइड को मोमेंटम किया और यहाँ से फिर ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पर कौन आएंगे, बायर्स आएंगे, ठीक है। तो बायर्स आएंगे तो उन्हीं बायर्स को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पर पुट साइड में पोजीशन बनाई है। अब थोड़ा मार्केट ऊपर चला गया निफ्टी की वजह से, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया, बट कैंडल अच्छी बनाई है तो ठीक है, सेलिंग आ जानी चाहिए। 47,000 के आसपास मार्केट कुछ ज़्यादा ही चल गया, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट एक बार इसको ब्रेकआउट कर दे, जो कि अब कम चांसेस हैं, नहीं करेगा या और फिर देखिए हमारे लिए तो नहीं करे, हमारे लिए अच्छा होगा, और बट कर दे तो फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहीं कहीं से फिर मार्केट हल्का सा ब्रेकआउट करके फिर फॉल कर दे, ठीक है। तो अभी तो सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि सेलिंग आ जाएगी, बट अगर नहीं आती है तो हम अपने स्टॉप लॉस के साथ निकल जाएंगे, अगर अपने लॉस लिमिट के आसपास पहुंच जाएंगे तो, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको होप में नहीं बैठना है कि अब चलो मैंने पुट साइड में बना लिया तो मार्केट गिरेगा, ऐसे ही नहीं गिरेगा तो स्टॉप लॉस के साथ आप सिंपली निकल जाइए, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, अभी 100 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है। देखिए अभी हमारा लॉस 700 के आसपास चल रहा है, तो अभी हम अपनी पोजीशन को हो सकता है एग्जिट कर दें,
थोड़ा सा और वेट करते हैं, लॉस बढ़ चुका है हमारा 800 के आसपास, तो चलिए हम पोजीशन को निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमने हमारी पोजीशन को बुक कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम आया हुआ था और ये कैंडल मार्केट ने अच्छी बना दी है, तो 781 रुपीज़ के आसपास आज का हमारा लॉस रहने वाला है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो 781 के आसपास हमारा लॉस रहने वाला है। तो देखिए, जिस चीज़ का डर था, जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट 47,000 के नीचे मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट इसको ब्रेकआउट कर दे या इसके ऊपर चला जाए, वही मार्केट ने किया। और अब मार्केट थोड़ा और पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, थोड़ा और मार्केट पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। तो हम हमारी लॉस लिमिट के पास पहुँच गए थे, तो इसलिए हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो 308 में हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो इतना ही, 1:1 के आसपास हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस रहता है, तो इतना ही हमने लॉस लिया है। स्पाइक अच्छी खासी बनी हुई थी ये। ठीक है, तो 308 के आसपास देख लेते हैं एक बार, यहाँ कहीं हमने इसको, यहाँ कहीं हमने निकाला है, तो 50 पॉइंट के आसपास हमने अपनी पोजीशन में आज बुक किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रेड लेने का रीजन समझ में आया होगा। और जैसे ही हम गलत हुए, हमने देखिए मार्केट ने हमारे अगेंस्ट में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने, हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी और हमारे अगेंस्ट में मार्केट ने करीब करीब 150 पॉइंट के आसपास मूव किए, तो प्रीमियम उस हिसाब से घटे नहीं है। ठीक है, 50 पॉइंट ही हमारे कम हुए प्रीमियम में, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव बात थी। यहाँ कहीं जब हम ट्रेड कर रहे थे 100 पॉइंट के अगेंस्ट, हमारे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था, तब भी हमारी पोजीशन में 10 पॉइंट के आसपास लॉस दिखा रहा था, यानी 100-150 के आसपास। लेकिन एक प्रॉब्लम यही थी कि मार्केट 47,000 के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया था, तो इसलिए फिर यहाँ हमारी पोजीशन खतरे में आ गई थी। तो कोई बात नहीं, लॉस हमारा ज़्यादा नहीं चल रहा था, अदरवाइज़ लॉस अच्छा खासा चल रहा होता तो मार्केट ने कैंडल अच्छी बनाई हुई थी, लेकिन अगर लॉस अच्छा खासा चल रहा होता तो यहीं कहीं हमारी पोजीशन कट जाती। ठीक है, लॉस लिमिट के आसपास हम यहीं पहुँच जाते, बट थोड़ा हमने वेट किया बिकॉज़ प्रीमियम हमारा साथ दे रहे थे, और उसके बाद जब मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई तो फिर हमारे लॉस लिमिट के आसपास पहुँच गया और हमने पोजीशन को एक्सिट कर दिया। तो 781 रुपीज़ का आज हमारा लॉस रहने वाला है। आई होप आपको ट्रेड लेने का रीज़न समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए मार्केट यहाँ से बिल्कुल फॉल करेगा, जो मैंने आपको बताया था कि पहले मार्केट 47,000 का मार्केट यहाँ ब्रेकआउट दे सकता है, तो ब्रेकआउट मार्केट ने दिया और अब मार्केट हो सकता है यहाँ से फॉल कर दे। लेकिन क्या हम दोबारा ट्रेड करने वाले? नहीं करने वाले, ये डिसिप्लिन और रूल होता है। इस अकाउंट में सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। ठीक है, तो डन फॉर द डे, मिलता हूँ मैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।